हेलो दोस्तों, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पे लास्ट टाइम छोड़ा था। तो मैं कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे था। इस शॉप पे लगता है फ्राइड चिकन अच्छा है। पहले मैं लाइन में लगा, मेरी बारी आई तो कहती जी कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते। फिर मुझे जाके नीचे से कैश लेके आना पड़ा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि खाना बहुत मज़े का था, इंतहाई मज़े का फ्राइड चिकन और फ्राइज़। इस खाने के लिए मैंने 22.5 मलेशियन रिंगिट पे किए हैं, जो कि तकरीबन 4.7 US डॉलर्स बनते हैं। दोस्तों अब मुझे कैप्सूल होटल ढूंढना है जहां पर जाके मैं रेस्ट कर सकूं। ये मेरा कैप्सूल है, यहां पर मैं तकरीबन 4-5 घंटे रेस्ट करूँगा और उसके बाद आगे की फ़्लाइट लूँगा जो कि बैंकॉक जाएगी। तो बस ये आगे से मैं शटर डाउन कर लूंगा और उसके बाद मैं सो जाऊंगा। मैं तकरीबन 4.5 घंटे सोया और उसके बाद अभी मैं यहां से निकल रहा हूं, तो आपको साथ साथ ये कैप्सूल ट्रांजिट होटल का टूर भी दे देता हूं। यह आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ साइज़ के रूम्स हैं। मैंने सिंगल पर्सन के लिए सिंगल कैप्सूल लिया था। डबल कैप्सूल भी मिल जाता है, उसमें डबल बेड लगा होता है और उसके अलावा फैमिली रूम्स भी मिल जाते हैं। मैंने सिंगल पर्सन कैप्सूल के लिए 23 ब्रिटिश पाउंड पे किए थे, जो कि तकरीबन 29-30 US डॉलर्स बनते हैं। तो इट्स नॉट चीप। और दूसरी बात ये कि इन पैसों में 12 घंटे के लिए यहाँ पे स्टे किया जा सकता है। मैं सिर्फ 4.5 घंटे के लिए मैंने स्टे किया था। मेरे ख्याल में इस कैप्सूल होटल की वर्थ उसी सूरत में है कि अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहें। मैं सिर्फ 4.5 घंटे रहा, उसके लिए मैंने तकरीबन $30 पे कर दिए, तो मुझे काफ़ी महंगा पड़ा। लेकिन उसमें कसूर मेरा ही है, मेरी प्लानिंग ठीक नहीं थी। ये लॉकर से एरिया है, तो यहाँ से मैं अपना बैग ले लेता हूँ, बड़े वाला बैग। ये कैप्सूल होटल की रिसेप्शन का एरिया है। तो जी ये है कुआलालंपुर एयरपोर्ट, और यहाँ पे भी मुझसे एक गलती और हो गई थी। यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनल्स हैं और मैं उनको समझ रहा था कि वो या तो साथ साथ होंगे या एक ही टर्मिनल होगा। तो पहले मुझे पता लगा कि वो वहाँ पर डिफरेंट टर्मिनल्स हैं और वो इतने दूर हैं एक दूसरे से कि वहाँ जाने के लिए ट्रेन लेनी पड़ती है। उसके अलावा मुझे कुआलालंपुर एयरपोर्ट पसंद आया, बहुत अच्छा एयरपोर्ट है। टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाने के लिए मैंने ट्रेन ली है और इस ट्रेन का टिकट भी काफ़ी सस्ता था, आधा US डॉलर यानी कि 50 सेंट। आज मैं फिर हसबे आदत बिल्कुल लेट हो गया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी कि एक बार फिर मेरी फ़्लाइट मिस होने से बच गई है। यहाँ से मैं थाई एयरवेज की फ़्लाइट लूँगा और कुआलालंपुर से पहले बैंकॉक, बैंकॉक में 20 घंटों का स्टे है और उसके बाद आगे कराची की फ़्लाइट मैं लूँगा। इमिग्रेशन काउंटर्स, गेट तक जाने के लिए एक दफा फिर ट्रेन लेनी पड़ी। एक दफा फिर मैं सबसे आखिरी मुसाफिर हूं जो कि जहाज पे बोर्ड कर रहा हूं। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ कुआलालंपुर से बैंकॉक। बैंकॉक में जाके कोई 16-18 घंटे में स्टे करूँगा और उसके बाद वहाँ से मैं आगे कराची की फ़्लाइट लूँगा। हमेशा मेरी तारीफ रही है कि मैं जो है ना फ़्लाइट्स पे लेट हो जाता हूँ हमेशा, और आज भी वही हुआ है। आज 9:05 पर फ़्लाइट थी, मैं कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर सुबह पहुँचा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एयरपोर्ट पर होटल ले लिया।
अच्छा जी, मैं कैप्सूल होटल में गया, थकन से मेरी बुरी हालत थी, आराम से जाके मैंने वहाँ पे रेस्ट वगैरह किया। और अब ये देखें, फ्लाइट का टाइम है 9:05 और मैं सो के उठाऊँ 6:30। अच्छा जी, मैं गया हूँ, आराम से मैंने नहाया धोया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, मेरी जान में जान आई है, थैंक यू। अब उसके बाद ये हुआ है कि मैं निकला हूँ और मैं टर्मिनल 2 पे था, मैं टर्मिनल 2 के डिपार्चर्स पे गया तो पता लगा जी कि फ़्लाइट यहाँ से जानी ही नहीं है, फ़्लाइट जानी है टर्मिनल 1 से, और ये टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 नज़दीक नहीं थे, ये काफ़ी दूर थे। अच्छा जी, पता लगा कि भाई ट्रेन लेके जाना है, मैं ट्रेन स्टेशन पर पहुँचा तो पता लगा जी अभी ट्रेन निकली है और अगली ट्रेन 20 में आई। जो ट्रेन आनी थी ना, उसने मुझे एग्जैक्ट 1 पहले फ़्लाइट के टाइम से टर्मिनल 1 पर पहुँचाया। अब आप ये देखें कि कहते हैं कम से कम एयरपोर्ट पर 2 पहले पहुँचना चाहिए, मैं 1 पहले पहुँचा हूँ। अच्छा जी, ढूंढता ढांढता मैं पहुँचा हूँ ऊपर, जाके मैंने चेक इन वगैरह किया और उनकी मेहरबानी की उन्होंने मुझे चेक इन कर लिया। एयरलाइन वालों को मैंने देखा कि वो पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर की मिस ना हो फ्लाइट। अच्छा जी, ठीक है, तो उन्होंने मुझे चेक इन कर लिया, बैग वगैरह लिया। अब मेरा हाल देखें, मैं फिर टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी फ्री में घुस के इधर उधर टाइम ज़ाया कर रहा हूँ कि जी चेक इन तो मेरा हो गया है तो अब तो मुझे जहाज़ लेके जाएगा। अच्छा, बीच में एक जगह अनाउंसमेंट हुई, अब मुझे लगा कि ना अनाउंसमेंट करने वाला मेरा नाम ले रहा है, और यकीन करें मैं मिन करके इंग्लिश में बोल रहा था, मुझे सही से समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल मुझे फहीम अहमद समझ आ गया। अच्छा जी, पता लगा कि जी टर्मिनल 1 के अंदर भी ट्रेन चलती है, क्योंकि जो गेट्स हैं वो इतने दूर हैं। अच्छा जी, मैं ट्रेन लेने गया हूँ, अब एक तरफ बस लिखा हो एक तरफ ट्रेन लिखा हो, वो इतना कंफ्यूजिंग था कि मेरे जैसा बंदा जिसने इतना ट्रैवल किया हुआ वो ही कन्फ्यूज़ होकर दूसरी साइड पर चला गया, उतनी देर में ट्रेन आकर फिर चली गई। मैं फिर बैठ के ट्रेन का वेट किया, ट्रेन आई है तो मैं इस टर्मिनल पर आया हूँ, इस टर्मिनल पर आकर इतनी दूर गेट था वो गेट मैंने ढूंढा, और इधर मैं आया हूँ तो मैं आखिरी पैसेंजर था, मुझे वो देखती कहती फहीम अहमद, उसको पता था कि भाई यही बंदा है जो कि मिसिंग है इस वक्त फ्लाइट से, बाकी सारे बंदे आ गए हैं। तो बहरहाल जी, मेरा पिछला रिकॉर्ड था 1 पहले मैं पहुंचा था, इस दफ़ा वो रिकॉर्ड भी मैंने तोड़ दिया, 50 पहले पहुंच के मैंने फ़्लाइट ली है। तो फहीम साहब, ये काम अच्छे नहीं हैं आपके, आपने आज फ़्लाइट मिस कर देनी थी, पैसे ज़ाया करवा लेने थे, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ ओके। ये फ़्लाइट मुझे तकरीबन 419 $ की मुझे ये फ़्लाइट मिली है, और ये काफ़ी मुझे महंगी मिली है, मैंने क्योंकि प्लानिंग ठीक नहीं की, तो इससे मुझे एक सबक मिला है और आप भी इससे सबक लें कि हमेशा ट्रैवल प्लानिंग पे ज़्यादा टाइम लगाएं। तो दोस्तों, ये जो फ़्लाइट है ये ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं है, सिर्फ 2 की ये फ़्लाइट है, तो ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है। जहाज टेक ऑफ के लिए तैयार। थाई एयरवेज मुझे काफ़ी पसंद आई, वैसे भी इनकी सर्विस अच्छी है, और उसके अलावा इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट ऑप्शंस आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवीज़ की कलेक्शन है। सीट बेल्ट साइंस ऑफ हो गए, जहाज स्टेबल है, हमारा बैंकॉक का सफर जारी है। दोस्तों, जाते हुए मुझे जो थाई खाना था वो पसंद नहीं आया था, तो इसलिए मैंने इस बार इंडियन वेजिटेरियन मील और पहले से प्री ऑर्डर किया हुआ था। तो जी, ये इंडियन वेजिटेरियन मील, इसमें ये पनीर का सालन है, साथ में चावल है, मटर की सब्ज़ी है, और साथ ये चना चाट है, गुलाब जामुन, तो ये निस्बतन बहुत बेहतर हो गया था। फ़्लाइट के दौरान मैंने जिम कैरी की मूवी डम एंड डम्बर लगा ली, बड़ी मेरी फेवरेट फिल्म है, मुझे बहुत पसंद है। थाई एयरवेज से बस मुझे एक प्रॉब्लम थी कि खाना थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में अभी मुझे पता लगा है कि हम प्री ऑर्डर मील कर सकते हैं। यहाँ पे मुस्लिम मील की भी ऑप्शन थी, अगरचे कि मैंने इंडियन मील मंगवाया था, लेकिन मुस्लिम मील की भी ऑप्शन थी। तो ये सब मिला के अगर देखा जाए
तो थाई एयरवेज़ की सर्विस, इनकी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, इनका खाना और इनके जहाज़ बिल्कुल नए जहाज़ हैं, कंफर्टेबल जहाज़ हैं, तो मुझे तो थाई एयरवेज़ बहुत पसंद आई। हम बैंकॉक पहुंच चुके हैं। थैंक यू, जहाज़ पे डफ नहीं लगी, बल्कि हमें कोच के ज़रिए एयरपोर्ट तक पहुंचना है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी हब्स था। सुबह मलेशियन इमिग्रेशन पे मुझे बहुत देर रुकना पड़ा था, तो अभी मैंने कोशिश की कि मैं जल्द अज़ जल्द आगे आगे वाली जगह ले लूं, और यहाँ पे इतना रश भी नहीं है और काफ़ी सारे काउंटर्स हैं, जिसकी वजह से मैं टाइमली बाहर आ गया। मैक्सिमम मुझे 2-3 मिनट लगे होंगे। तो वेलकम टू बैंकॉक, अच्छा एयरपोर्ट है, सारी सहूलियातें यहाँ पे, काफ़ी सारी ATMs हैं जिनसे कैश निकलवाया जा सकता है, उसके अलावा करेंसी एक्सचेंज भी हैं, और एयरपोर्ट से सेंटर ऑफ द सिटी जाने के लिए कैब्स भी अवेलेबल हैं और अच्छी हाई स्पीड ट्रेन भी है। तो जी, मैं ट्रेन के ज़रिए अभी सेंटर ऑफ द सिटी जाता हूँ, जहाँ पे मैंने हॉस्टल बुक किया हुआ है। ट्रेन में बैठ के और अब हम जा रहे हैं सेंटर ऑफ द सिटी। तो दोस्तों, मैं थाईलैंड पहुंच चुका हूं, बैंकॉक एयरपोर्ट पे था, और मैंने बड़ी कहानियां सुनी हुई हैं कि इनके जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो बड़े फ्रॉडी होते हैं, तो इसलिए मैंने पूरी रिसर्च करके ट्रेन सेलेक्ट की, क्योंकि ये एयरपोर्ट शहर से काफ़ी बाहर है, तकरीबन होना है कोई 25-30 किलोमीटर कम अज़ कम, हो सकता है 35 किलोमीटर हो, शहर से ही काफ़ी बाहर है। तो ट्रेन लेके मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्टल मैंने बुक किया है, इंतहाई सस्ते यहाँ पे हॉस्टल हैं, तो मैं चाहता तो मैं सेपरेट रूम भी बुक कर सकता था, लेकिन बात यह है कि मैंने इस मुल्क में 20 घंटे भी नहीं रहना, 20 घंटे से भी कम टाइम रहना है, तो बस वो गुजारा करने के लिए मुझे चाहिए, तो वो ठीक है। तो सस्ता और बेहतर रिव्यूज़ वाला जो हॉस्टल था वो मैंने ले लिया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो फ़्लाइट भी अच्छी रही, छोटी फ़्लाइट थी, आधा घंटा पहले पहुंच गई। तो जी, अभी प्लान ये है कि सिटी में चलते हैं, ये तो मतलब मेन ट्रेन है, ये मुझे सिटी लेके जाएगी, वहाँ एक और ट्रेन चेंज करनी है, और उसके बाद मैं अपने हॉस्टल पहुँच जाऊँगा। और सामान मेरे पास सिर्फ एक बैकपैक है, क्योंकि जो मेरा बड़ा बैग है वो जा रहा है कराची, तो वो ऑलरेडी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए चला गया है, तो मेरे पास सिर्फ एक बैकपैक है, तो मैं बड़ा इजी फील कर रहा हूँ। मैंने maps.me ऐप के ऊपर थाईलैंड साउथ का जो मैप है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये बड़ा ज़रूरी होता है, जब भी आप कभी टूरिज्म के पर्पज़ के लिए जाएं, किसी नए कंट्री में जाएं, आप maps.me इंस्टॉल करें, बहुत अच्छी ऐप है, और उस पर उस मुल्क का मैप भी डाउनलोड कर लें। अब इससे ये है कि कम अज़ कम मुझे डायरेक्शंस वगैरह का पता लगता रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक दिन भी नहीं रहना मुकम्मल, 24 घंटे भी नहीं रहना, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है सिम कार्ड पे पैसे खर्च करने का, इसलिए मैं maps.me इंस्टॉल करके उसमें कंट्री का मैप डाउनलोड करके वहाँ से फिर मैं घूमता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो ट्रेन की जर्नी है, इसकी टिकट मुझे मिली है 45 थाई बात की, तो एक $1 जो है वो तकरीबन 33 भाग का चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये पाकिस्तानी तकरीबन 300 रुपये की ये ट्रेन की जर्नी पड़ रही है। 300 रुपये में ऐसी ट्रेन, ऐसा सफ़र, वो भी 25-30 किलोमीटर, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैं इंटरनेट पे देख रहा था, अगर मैं कैब लेता तो वो तकरीबन 450-500 भाग लेती, वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन $15 बन जाते, लेकिन ये दिस इज़ इवन बेटर, दिस इज़ मच बेटर। तो 300 रुपये में ऐसी ट्रेन की जर्नी, बहुत अच्छी सर्विस है ये। मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आ रहा हूँ, वो तो बड़े महंगे मुल्क हैं, तो ये मुल्क उनकी नस्बत काफ़ी सस्ता है।
मैं जैसे ही प्लेन से उतरा हूँ मैंने जल्दी जल्दी इमिग्रेशन क्लियर की है और उसके बाद मैं वापस आया हूँ। जल्दी जल्दी मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है क्योंकि मैं चाहता था कि रात 12 बजे से पहले पहले मैं ये जर्नी कर लूँ, क्योंकि रात 12 बजे के बाद मुबैना तौर पर ये ट्रेनें बंद हो जाती हैं। अगर ये ट्रेनें बंद हो जाती हैं तो फिर कैब पे जाओ और कैब पे आपको पता है खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता। हॉस्टल मैंने इसलिए बुक किया है कि वो ना सेंटर ऑफ द सिटी में मुझे मिल गया है। वैसे रूम्स वगैरह मिल रहे थे और सस्ते मिल रहे थे, तकरीबन 600 700 800 भाग तक का रूम मिल रहा था। लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि वो सेंटर ऑफ द सिटी से दूर थे तो मुझे आने जाने का फिर बड़ा इशू होता, क्योंकि कल मैंने वापस भी आना है तो मैंने ये चीज़ भी देखनी थी, इसलिए मैं सिटी सेंटर में ठहरा हुआ हूँ। अब मुझे यहाँ पे ट्रेन चेंज करनी है। गर्म है, मतलब इतना गर्म नहीं है लेकिन बस दरमियाना सा मौसम है, दरमियाना सा आप गर्म कह ले इसे। मुझे ट्रेन कहाँ से मिलनी है, इस साइड से मैंने जाना है या दूसरी साइड से जाना है? जो स्टेशन से ट्रेन आई थी उसका फेयर था 35 भाग, और अब ये आगे मैंने मेट्रो ली है इसका भी फेयर 35 भाग है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी सर्विस है उस हिसाब से ये फेयर बहुत ज़्यादा मुनासिब है। चंगी ठंडी ट्रेनें हैं, अंदर आओ सुकून मिल जाता है बंदे को। ये नज़दीकी स्टेशन है लेकिन ये भी काफ़ी दूर है जहाँ पे मैंने जाना है, तो मैंने ये टुक टुक करवाया जो कि यहाँ पे रक्षा है और इसके लिए मैंने 100 बार पे किया है। तो ठीक है जी, चलते हैं हॉस्टल। तो जी ये मैं हॉस्टल पहुँच गया हूँ, ये हॉस्टल है। तो दोस्तों मैं स्टेशन से बाहर निकला तो 2.2 किलोमीटर्स वो दिखा रहा था। अब मैंने कहा अब मैं इतनी वॉक करूं, आधे घंटे की ये वॉक है। तो फिर मैंने एक वो टुक टुक वाले को पकड़ा, वो मुझे कहता जी 150 भात लेगा। मैंने कहा 35, वो कहता 100, मैं कहा 50। तो फिर मैंने कहा यार दे ही देता हूँ 100 भात, यानी कि कितने हो गए, $3 हो गए। चलो उसने ज़्यादा मुझे ओवरचार्ज कर भी लिया होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। कितने बने, $3 बनते हैं 100 भाग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंकॉक थाईलैंड। रात को मैंने अच्छे से आराम किया और अभी मैं सेंटर ऑफ द सिटी जा रहा हूं और वहां पे कुछ काम है और उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। बैंकॉक में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक को बीट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है बाइक। यहाँ पे इनकी एक बाइकिया जैसी ऐप है, उस ऐप के थ्रू मैंने ये बाइकिया बुलवाया तो बिल्कुल आसानी से ये बाइक राइड अरेंज हो गई। इस
इसी बहाने बाइक की राइड करते हुए साथ साथ शहर के नज़ारे कर रहा हूँ मैं। मौसम आप देख सकते हैं क्लाउडी है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा हब्स वाला मौसम यहाँ पे होता है। ये देखें जी कैसे हमारा बाइक किया सारी ट्रैफिक को बीट करते हुए आगे निकलता जा रहा है, इसलिए मुझे बाइक किया पसंद है। मेरा स्टे इस शहर में बहुत थोड़ी देर का था, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम कभी चक्कर लगा तो मैं इस शहर में कुछ दिन डेफिनेटली गुजारना चाहूँगा। बैंकॉक काफ़ी टूरिस्टी शहर भी है और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे टूरिस्ट भी नज़र आए। आबादी के लिहाज से ये बड़ा शहर है, इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा है और थाई ज़बान में इसको क्रुंग थैप का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है सिटी ऑफ गॉड्स, द ग्रेट सिटी। हम ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सिटी पहुंच गए हैं। अब कुछ देर मैं यहां पे घूमूंगा और उसके बाद लंच वगैरह करके हम एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे। इस शहर की ये बात बहुत अच्छी है कि ये महंगा नहीं है, तो ये बहुत रीज़नेबल और अफोर्डेबल है। तो जी ये यहाँ पे मॉल है और मॉल में मैकडॉनल्ड्स है, तो वहाँ चलते हैं, चल के लंच करते हैं। तो ये है मैकडॉनल्ड्स का फ्राइड चिकन, जैसा पाकिस्तान में मिलता है वैसे, और ये बस मेरे ख्याल से ये गालबन एशियन कंट्रीज़ में मिलता है, क्योंकि यूरोप वगैरह वाली साइड पे तो नहीं मिलता और यूके में तो डेफिनेटली नहीं मिलता। तो ठीक है जी, अपने लंच को इंजॉय करते हैं। अभी मैं रेडी हूँ, सामने मेट्रो ट्रेन का स्टेशन है, वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ से गाइडलाइन लेके एयरपोर्ट की तरफ ट्रेन लेता हूँ। पहले मेट्रो ट्रेन से मुझे एक मेन स्टेशन पे जाना है, वहाँ से मुझे एयरपोर्ट के लिए फास्ट ट्रेन मिलेगी। इस स्टेशन से मुझे एयरपोर्ट के लिए फास्ट ट्रेन मिलेगी। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम मकासन स्टेशन, बैंकॉक, थाईलैंड। कल मेरी फ़्लाइट जो है ना छूटते छूटते रह गई थी, मैं गलत टर्मिनल पे चला गया था। पहले तो माशाल्लाह मैं उठा ही देर से, और पहले उठा देर से, उसके बाद गलत टर्मिनल पे चला गया। फ़्लाइट से 50 मिनट पहले मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, 50-45 मिनट पहले, और उस वक्त भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरा चेक इन कर लिया था। बिल्कुल आखिरी टाइम पर मैंने जाकर फ़्लाइट ज्वाइन की, फ़्लाइट लेट होते होते रह गई। अभी कल ये काम हुआ है और फिर भी मुझे सबक नहीं मिला, आज फिर मैं लेट होते होते बचा हूँ। मेरी हालत आप देख लें ज़रा। खैर ये हालत जो है कुछ भाग दौड़ करने की वजह से हुई है, और कुछ वैसे यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा उसमें नमी है, जिसकी वजह से बंदे का ये हाल होता है, बहुत पसीना आता है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं लेट क्यों हुआ, मैं लेट इसलिए हुआ कि 11 बजे के करीब मैंने अपना हॉस्टल छोड़ दिया था, उसके बाद मैं आवारागर्दी करने लग पड़ा। मुझे आवारागर्दी करते हुए मज़ा इतना आ रहा था, कभी जाके मैकडोनल्ड में बैठ के कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी आवारागर्दी कर ली, कि मैं जो है ना मैं फ़्लाइट के लिए लेट होने लगा था। अभी मेरा बैग तो ऑलरेडी चेकड इन है, मुझे सिर्फ अंदर जाके एक सिक्योरिटी वगैरह क्लियर करनी है और उसके बाद अंदर चले जाना है। बोर्डिंग पास ऑलरेडी मेरे पास है। अब वो मैंने गूगल पे देखा, वो कह रहा था जी 1 घंटा 20 मिनट। अब मुझे थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था कि यहाँ पे जो है ना मेट्रोस वगैरह उन पे टाइम लगता है, और दूसरी बात है कि मेरे पास वो कोई उनका कार्ड वगैरह तो है नहीं, ट्रैवल कार्ड वगैरह। मुझे हर जगह पे टिकट ख़रीदना पड़ता है और टिकट हर जगह पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। एक जगह पे अच्छा हुआ कि मेरी बारी जल्दी आ गई लाइन पे, एक जगह पे ये हुआ कि मैंने अपना मास्टर कार्ड इस्तेमाल किया और वो चल गया, और तीसरी जगह पे ये हुआ कि मैं ट्रेन के पहुँचने से
12 मिनट पहले पहुंचा हूं इस स्टेशन पे। टिकट मशीन से मैंने बआसानी टिकट निकाल ली। तो दोस्तों ये अभी तक की कहानी। तो अभी मेरा सफ़र शुरू होने लगा है बैंकॉक से कराची तक का। तो सबसे पहले दिन का आगाज़ हॉस्टल में हुआ था। दो कप चाय मैंने एवरीडे वाली कड़क बनाई, साथ में दो स्लाइस उठाए, उनको टोस्ट अप किया और उनसे मैंने नाश्ता किया। बड़ा मज़े का नाश्ता हो गया। उसके बाद मैं निकला हूँ, आरागर्दी करता रहा हूँ पूरे बैंकॉक शहर में। उसकी थोड़ी सी आपके साथ झलकियाँ शेयर कर देता हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे थाईलैंड बैंकॉक काफ़ी मज़े के लगे। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम गुजार सकता तो और ज़्यादा मज़ा आता। बहरहाल मौसम यहाँ का गंदा है, बहुत हब्स है, हर वक्त पसीने आते रहते हैं। कल जब मेरी फ़्लाइट लैंड की थी उस वक्त बारिश हो रही थी तेज़, उसके बावजूद उसमें भी हब्स थे। बाकी ओवरऑल बैंकॉक थाईलैंड मुझे मज़े का लगा। हर जगह बैंकॉक में गोरे टूरिस्ट घूम रहे होते हैं, तो ये चीज़ तो है कि थाईलैंड में टूरिस्ट बहुत आता है। मेरा ख्याल था कि ट्रेन वैसी खाली होगी जैसे कल खाली थी, लेकिन ये तो इतनी बुरी तरह भरी हुई है। मेरा ख्याल था कि मैं आराम से आईफोन से लीड लगा के अपने लैपटॉप में सारी वीडियोस वगैरह डाउनलोड करूँगा और आईफोन में स्पेस बनाऊँगा, लेकिन ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। ये तो इतनी बुरी तरह भरी हुई है, खड़े होने की जगह भी बड़ी मुश्किल से मिल गया है। लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि एटलीस्ट मैं टाइम से एयरपोर्ट तो पहुँच रहा हूँ। मुझे बैंकॉक का ट्रेन सिस्टम और ये मेट्रो सिस्टम बहुत पसंद आया है। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली ट्रेन है तो देख सकते हैं ज़्यादातर मुसाफरों के पास ट्रैवल बैग्स हैं, और ये बहुत बड़ी सहूलत होती है कि अगर एयरपोर्ट की तरफ कोई ट्रेन का लिंक हो, ये बड़ी सहूलत हो जाती है कि बंदा ट्रैफिक जैम वगैरह में नहीं फंसता। तो हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। ठीक है जी, एयरपोर्ट आ गया है। क्योंकि मुझे सामान वगैरह तो चेक इन नहीं करना, तो मैं सीधा इमिग्रेशन काउंटर्स पे आ गया हूँ। वाह क्या खूबसूरत मुजस्मा है। ड्यूटी फ्री एरिया बैंकॉक एयरपोर्ट। अच्छा बेहतरीन एयरपोर्ट बना हुआ है, जो कुछ टूरिस्ट को चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे है। एटीएम कैश मशीन जहाँ से डिफरेंट करेंसीज विड्रॉ की जा सकती हैं। हाँ जी, C3 से फ्लाइट जानी है और वो नीचे बैठे सारे पाकिस्तानी। वाह जी वाह, वाटर फाउंटेन, ठंडे ठंडे पानी का वाटर फाउंटेन। दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर जब मैं देखता हूँ तो मुझे वही खुशी होती है जो कि प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड ऑफ टाइम गेम में प्रिंस को वाटर फाउंटेन देख के खुशी होती है। वो वाटर पीता है फाउंटेन से तो उसकी जो है ना लाइफ वो बढ़ जाती है, तो बस मुझे भी वही खुशी होती है। तो जी ठीक है, फ्लाइट में मैं पहुंच गया हूँ और यकीन करेंगे पूरा पूरा टाइम था, बिल्कुल पूरा पूरा टाइम। बिल्कुल भी मुझे रास्ते में फ्री होने का मौका नहीं मिला। बस मैं चलता आया हूँ और मैं टर्मिनल पे पहुँचा हूँ और मैं उन आखिरी लोगों में से था जो कि जहाज़ पे जिन्होंने बोर्ड किया है। प्रिजन ब्रेक माइकल स्कोफील्ड, वाह क्या बात है, हार्ड ड्राइव पानी में फेंक रहा है। टाइम टू से गुड बाय टू बैंकॉक। टॉयलेट चेक करते हैं, एक नॉर्मल बेसिक टॉयलेट लेकिन इंतहाई साफ़ सुथरा
और ओवरऑल एक अच्छा इंप्रेशन है। थाई एयरवेज मुझे काफ़ी पसंद आई, जो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे बजट एयरलाइंस हैं जैसे कि जेट स्टार वगैरह, वो ज़्यादा किराया लेती हैं और सर्विस उनकी बस इतनी है कि आपको जहाज़ के ऊपर एक सीट मिलती है। लेकिन थाई एयरवेज में अब आप देखें इनके जहाज़ इतने अच्छे हैं, सफाई मेंटेन्ड है और खाना वगैरह भी मुनासिब होता है, तो इस लिहाज से मुझे थाई एयरवेज काफ़ी पसंद आई है। आधे से ज़्यादा सफ़र गुजर गया है, जाते हुए भी यही रूट था और वापसी पे भी यही रूट है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाली साइड पे जाना हो तो पाकिस्तान से जो सीधा सीधा रूट बनता है वो यही बनता है, लाहौर या कराची टू बैंकॉक, और वहाँ से आगे फिर ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न सिडनी पर जहाँ पे भी जाना हो। अगर गल्फ की कोई एयरलाइन लें जैसे कि कतर है या फिर एमिरेट्स है, तो वो पहले ऑपोजिट साइड में जाएंगी, वो पहले गल्फ की तरफ जाएंगी, उसके बाद फिर वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ जाएंगी। तो वो रास्ता बहुत लंबा पड़ जाता है क्योंकि वो पहले एक दफ़ा ऑपोजिट साइड पे जाती हैं और फिर वो इस तरफ आती हैं, तो वो 13-14 घंटे की वो फ्लाइट होती है, वो तो भाई बहुत ज़्यादा टायरिंग होती है। अच्छा जी, हम भोपाल के ऊपर से गुजर रहे हैं और जल्द कराची पहुँचने वाले हैं। वेलकम टू कराची। तो कराची एयरपोर्ट, अब बस ये है कि इमिग्रेशन पे ज़्यादा लंबी लाइनें ना हों। इमिग्रेशन की लाइनें तो काफ़ी लंबी हैं, लेकिन अगर काउंटर ज़्यादा खुले होंगे, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठे होंगे, तो उम्मीद है कि जल्दी क्लियर कर देंगे। मुझे खुशी हो रही है कि मैं एक अच्छा टूर लगा के घर वापस आ गया हूँ। इमिग्रेशन से गुजर के बैग लेके मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला और कैब करवाई और अभी मैं घर जा रहा हूँ। और इसके साथ ही इस सीरीज़ का यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। शुक्रिया।